अध्यक्ष महोदय, आज सेंटर में जो सरकार चल रही है वो सरकार आज इन तमाम नेताओं के विचारों के खिलाफ चल रही है। इस सरकार ने एक बिल पास किया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। राज श्री महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवशाही में कभी भी किसी के साथ धर्म के नाम पर कहीं भी कोई भी कहीं भी धर्म के नाम पर किसी के साथ अलग तरह से व्यवहार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सारे कानून में सारे धर्मों को बराबर लेकर चले, लेकिन आज मराठी भाषा मैं बोलता हूँ, तू चिंता करा नको। अरे अभी तक कंपलसरी नहीं किए थे, आज जो नए बच्चे पढ़ते हैं आज बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्रीय भाषा आज कंपलसरी हो गई। ये बहुत ही खुशी की बात है ताकि सब लोग पढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, सारे धर्मों को बराबर का दे दिया। आज मेजोरिटी के बेस पर सेंटर सरकार ने मेजोरिटी के बेस पर जो चाहा कानून पास कर लिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दस्तूर के स्पिरिट के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनो। अपना राज्यपाल के अभिभाषण पे उसी भाषण में बोलो, वही भाषण। नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारा महाराष्ट्र एक मिनट, आदरणीय जी इनकी हरकत है। आज हरकतीचा मुद्दा हा है की आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणावर राज्याच्या संदर्भात चर्चा करत असताना अशा पद्धतीने लोकसभेत चर्चा करण्याचा अधिकार असल्यासारखा तुम्ही केंद्र सरकार संविधानानुसार चालत नाही वगैरे असं म्हणण्याचा अधिकार आहे का? शेवटी अध्यक्ष महाराज अशा पद्धतीची सुरुवात कराल पण याचा शेवट मग आम्ही करू। हे अशा पद्धतीने शांततेच्या वातावरणात हाऊस चालू आहे, संयमाने सुरू आहे, कोणी कोणाला टोकाटोकी करत नाही। यांनी का ठेका घेतला का देशात आगगावा, विधानसभेत आगगावा, सर्व ठिकाणचा ठेका आहे का? चला आ गया मुद्द्यावर सांगा। अध्यक्ष महोदय, कहते ना चिरागों के सफर में दबदबा हो वादियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो वादियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, निर्देश ऐकत नव्हता का? काय सांगितलं ऐकलं नाही का? तुम्हाला गोंधळ करायचा का? इकडे बघा, ओ मुंगटीवार साहेब ऐका, अहो मुकंडीवर साहेब आता माझं ऐका ना, अहो ऐका। आक्षेपार्थ जे बोललं गेलं मी त्या ठिकाणीच निर्देश दिलेत। आता तुम्ही सांगता की मला अहो ऐका ना, आक्षेपार्थ जे आहे जे केंद्र सरकारच्या याच्यामधलं जे आहे त्याला रेकॉर्डून काढून टाका असं निर्देश मगाच दिले। आता तुम्ही गोंधळच करायचा ऐकायचंच नाही, आणि गोंधळच करायचं असेल तर काय सांगा। आता चुपचाप आता बसा तुम्ही आपल्या जागेवर, आणि त्यांच्या भाषणामध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही। जे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर अबू आजमी जी आप ये राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा है इस पे आता मागच्या लोकांनी एक बघा, त्यांनी हिंदीत बोलताय की मराठीत बोलताय त्याच्यात आक्षेप घ्यायचं कारण नाही। मी तुम्हाला सांगतो एक अबू आजमी जी राज्यपाल के अभिभाषण पे आपको बात करना है। आप बिल्कुल ये केंद्र सरकार और ये इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सर मैं अध्यक्ष महोदय, मैं नफरत से बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो भाईचारगी को बढ़ाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं मुसलमान हूँ, यकीन जानिए मैं 100 भाषण दिखाऊंगा इनको। मैंने पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा, मुसलमानों से कहा है कि जहाँ हमारा हिंदू भाई है वहां जाकर कह दो रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो कोई हिंदू नहीं मुसलमान अपना खून देगा। मैं कसम खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी नफरत नहीं पाला है। कहते हैं कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है हम सभी हिंदू और मुसलमान को, लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी नफरत की बात नहीं करता हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है देश के अंदर? हम कहते हैं कि हम 20 साल और एक वक्त खाएं, एक वक्त भूखे रह जाएं, चलेगा? यकीन जानिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो देश के हालात है ना, हमें आपस में भाईचारगी को बढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं, सुनिए ना, अरे अभी मैंने कौन सा गलत बोला? अभी तो अच्छी बात बोल रहा हूं ना।